नमस्कार साथियों, ओम डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ओम बिश्नोई आज आपके लिए इंसर्ट टैब के अंतर्गत हेडर और फुटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। हेडर और फुटर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है और इससे संबंधित आपको दो चार क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसे आपको अच्छी तरह से समझना है और मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। इस चैनल पर जो नए दर्शक हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक हमने होम टैब के अंतर्गत विभिन्न ग्रुप हैं, उनको पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। इंसर्ट टैब में पेज ग्रुप, टेबल्स और इलस्ट्रेशन ग्रुप्स को भी हमने कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में हेडर और फुटर पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले मैं इसकी बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देता हूं कि किसी भी डॉक्यूमेंट में, कोई भी बुक वगैरह आप देखते होंगे, तो इसके टॉप में कोई भी बुक से संबंधित नाम या बुक के राइटर से संबंधित नाम वो उसके टॉप ऑफ पेज में होता है और प्रत्येक पेज पर वो नाम है वो रिपीट होता रहता है। तो इसके टॉप में जो भी नाम है उसको हेडर कहते हैं और पेज के बॉटम में फुटर कहा जाएगा। फुटर एमएस वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के अंतर्गत हेडर एंड फुटर ग्रुप में आता है। तो इसको किस प्रकार से हम इंसर्ट करेंगे, हेडर और फुटर और पेज नंबर, ये तीनों एक ही ग्रुप के अंतर्गत हैं और तीनों को इंसर्ट करने का तरीका भी एक ही है। अब हेडर को अगर इंसर्ट करना है तो पहला तरीका तो है ये ऊपर वाला जो भी मार्जिन है, ऊपर वाला खाली भाग है, इस पर माउस के लेफ्ट बटन से दो बार क्लिक करेंगे तो ये हेडर का बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है हेडर इंसर्ट करने का, इंसर्ट टैब में जाएंगे, हेडर पर क्लिक करेंगे और एडिट हेडर पर जाएंगे तो भी ये एडिटिंग वाला बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है, इंसर्ट टैब में जाएंगे, हेडर पर क्लिक करेंगे और बुलेट्स इन के नीचे ये विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग दी हुई है, इसमें से अगर हमें कोई भी फॉर्मेटिंग चूज करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आ जाएगा और इस टेक्स्ट की जगह हम कोई भी नाम लिख देते हैं। नाम लिखकर क्लोज हेडर एंड फुटर करेंगे या फिर इसके जो सारी भाग है इस पर दो बार लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। अब इसको किस प्रकार से रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है इस पर दो बार क्लिक करो और इसको सेलेक्ट करके बैक स्पेस से हटा दो, उसके बाद में क्लोज हेडर एंड फुटर कर दो तो ये रिमूव हो जाएगा। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, अभी ये हेडर आ गया है। दूसरा तरीका इसको रिमूव करने का, हेडर में जाएंगे, नीचे लिखा है रिमूव हेडर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हेडर है वो रिमूव हो जाएगा। ये सेम ही पैटर्न इस फुटर के लिए है, यहाँ पर दो बार क्लिक करेंगे फुटर का एडिटिंग बॉक्स है वो खुल जाएगा, यहाँ पर जो भी फुटर डालना चाहते हैं वो हम डाल सकते हैं। इसका अलाइनमेंट है वो हम यहाँ से सेंटर, लेफ्ट या राइट जो भी चाहे वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट सेट करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी टेक्स्ट है इसको पूरा सेलेक्ट नहीं करना है, केवल उस पर कर्सर ही रखना है। अगर पूरा सेलेक्ट करने के बाद में हम अलाइनमेंट सेट करेंगे तो वो पूरा का पूरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हेडर फ्रॉम टॉप और फुटर फ्रॉम बॉटम, यानी बॉटम से फुटर को कितना क्या ऊपर नीचे रखना है वो हम यहाँ की पोजीशन है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ से नीचे फुटर की कर सकते हैं और डायरेक्ट हेडर पर जाना है तो हेडर की पोजीशन भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है डिफरेंट ओड एंड इवन पेज, डिफरेंट फर्स्ट पेज, इसकी जानकारी हम आपको क्वेश्चंस के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है नेविगेशन, ये है प्रीवियस सेक्शन और नेक्स्ट सेक्शन, हमने यहाँ पर डिफरेंट ओड एंड इवन पेज कर दिया है। अब नेक्स्ट सेक्शन पर जाना है, ये ओड पेज का हेडर है और इवन पेज पर जाना है तो नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे, इवन पेज पर चले जाएंगे। अब इससे क्या होता है, गो टू फुटर, यानी कि हम हेडर पर तो है और फुटर पर जाना है इस नेविगेशन से, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फुटर पर आ जाएंगे, इसका मेनली यही यूज। यहाँ पर डेट, क्विक पार्ट्स, पिक्चर, क्लिप आर्ट आदि दिए हुए हैं, इसका मेनली कार्य है हेडर में इसको इंसर्ट करने का है, यानी कि डेट को अगर चाहे हेडर में इंसर्ट करना तो ओके करेंगे, डेट हेडर में इंसर्ट
हो जाएगी। इसी प्रकार से क्विक पार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं इसमें मेनली। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कि किस प्रकार से हेडर और फुटर से संबंधित आपको एग्जाम में क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, राष्ट्र प्रेम शब्द को पेज के हेडर के रूप में इंसर्ट करके सेंटर अलाइन करते हुए फॉन्ट साइज 22 पॉइंट सेट कीजिए। तो यहाँ पर दो बार क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे राष्ट्र प्रेम, ये इंग्लिश में लिखा जा रहा है तो इसकी फॉन्ट है हमें सबसे पहले हिंदी में सेट करनी होगी। अगर कहा जाए कि उसी पर्टिकुलर फॉन्ट में इसको लिखना है तो हमें वो फॉन्ट लिखनी है जो क्वेश्चंस में दी गई है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की फॉन्ट हमें नहीं बताई है और केवल शब्द लिखा है तो हम जो हमारी टाइपिंग में फॉन्ट है डेवियस 10 इसको ही हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद में हम लिखते हैं राष्ट्र प्रेम, ठीक है। इसकी साइज है 22 पीटी करनी है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, साइज को 22 कर देंगे। उसके बाद में इसका अलाइनमेंट सेंटर करना है तो एक तो पैराग्राफ यहाँ से पैराग्राफ से भी कर सकते हैं हम, और दूसरा तरीका मैंने आपको पहले अभी बताया है डिजाइन टैब के अंतर्गत इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, यहाँ पर क्लिक करके इसका अलाइनमेंट हम सेंटर कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट सेट करने के भी ये दो तरीके हैं, आपको जो पसंद आए वो कर सकते हैं। इसके बाद में क्लोज करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब ये जो राष्ट्र प्रेम शब्द लिखा है ये ट्रे है वो अल्ट की के माध्यम से लिखा जाएगा, तो आपको इस बात पर विशेष गौर करना है कि ये जो अल्ट की है वो आपको याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था उसमें भी हेडर और फुटर और वाटरमार्क में ऐसे कुछ नाम लिखे थे जो बिना अल्ट की से आप नहीं लिख सकते, तो आपको अल्ट की को याद करना है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन दिया है RSSB बोर्ड ने उसमें लिखा हुआ है कि आपको परीक्षा के दौरान अल्ट की और कंट्रोल की का यूज नहीं करना है, तो ये मुझे नहीं लगता है कि एफिशिएंसी के लिए लिखा है, ये टाइपिंग के लिए लिखा है और टाइपिंग के दौरान आपको अल्ट कीज का यूज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एफिशिएंसी में इससे संबंधित एक दो प्रश्न आपको जरूर पूछेंगे, इसलिए मेरी यही सलाह है कि आप इस अल्ट की वाले जो भी कोड है हिंदी के उसे अच्छी तरह से याद करके जाएं। अगर आपको ये कोड नहीं मिल रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने कल इससे संबंधित एक PDF बनाकर डाल दी है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो और उसकी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेज में टाइटल नामक फुटर डालकर एड्रेस में ओम डिजिटल स्टडी लिखिए। इंसर्ट में जाएंगे, फुटर पर क्लिक करेंगे, एडिट फुटर, अब टाइटल नामक फुटर डालना है तो यहाँ पर ये फुटर का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फुटर के हमें बने बनाए फॉर्मेट मिल जाएंगे। यहाँ पर जब हम माउस से ड्रैग करेंगे नीचे हमें मिलेगा टाइटल नाम से फुटर, ये देखिए आप यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है। अब इसमें एड्रेस में नाम लिखना है ओम डिजिटल स्टडी, जो भी हमें नाम लिखने को कहे वो हमें यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में क्लोज कर देंगे तो ये फुटर है वो इंसर्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज में डाले गए हेडर और फुटर को हटाइए। तो हटाने के भी दो तरीके हैं, आपको बता दिया है, एक तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके बैक स्पेस दबाएंगे तो हट जाएगा, और दूसरा मैन्युअली हटाना चाहते हैं तो हेडर में जाएंगे, हेडर को हटाना है तो रिमूव हेडर करेंगे हेडर हट जाएगा, फुटर में जाकर रिमूव फुटर करेंगे तो फुटर हट जाएगा। इसके बाद में क्लोज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पेज पर राम और बाकी सभी पेजों पर श्याम शब्द को हेडर के रूप में अप्लाई करें, इसकी फॉन्ट साइज 23 होनी चाहिए। यानी कि ओनली फर्स्ट पेज पर राम शब्द लिखना है हेडर के रूप में और बाकी सभी पेजों पर श्याम है वो हेडर के रूप में होना चाहिए। हेडर के टूल बॉक्स को ओपन करेंगे, एडिट हेडर पर क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर ऑप्शंस के अंतर्गत डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज ये दिया हुआ है एक ऑप्शन, और दूसरा है डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो हमें फर्स्ट पेज पर दूसरा रखना है बाकी सभी पेज पर सेम रखना है,
तो डिफरेंट फर्स्ट पेज का ऑप्शन चूज कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर शब्द लिख देंगे राम, भाषा को हिंदी कर देंगे, हमने लिख दिया राम। और बाकी सभी पेजों पर लिखना है श्याम। यहाँ नेक्स्ट सेक्शन पर जाएंगे तो ये अगले सेक्शन पर आ जाएगा, यहाँ पर लिखना है श्याम। अब फॉन्ट साइज हम 23 पॉइंट कर देते हैं, होम टैब में यहाँ पर 23 लिख दिया, ओके। अब नेक्स्ट वाले सेक्शन में भी 23 पॉइंट ही करना है तो इसको भी सिलेक्ट कर दो, होम के अंतर्गत 23, ठीक है। अब ये पहले पेज पर और बाकी सभी पेजों पर किस प्रकार से अप्लाई हुआ है इसको देखते हैं। ये आप देखिए, पहले पेज पर राम लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे फर्स्ट पेज पर राम और बाकी सभी पेज पर श्याम 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 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से करना है, डिजाइन टैब के अंतर्गत डिफरेंट फर्स्ट पेज ओनली, इस पर आपको ये जो नाम लिख रहे हैं इससे पहले क्लिक करना है। अगर पहले क्लिक नहीं करोगे इस पर तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपको किस प्रकार की दिक्कत हो सकती है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसको अनसेलेक्ट किया, इसके बाद में हम यहाँ पर राम शब्द टाइप कर देते हैं। अब ये राम है, ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में हेडर के रूप में सेट हो गया है। अब हमें फर्स्ट पेज पर दूसरा और बाकी सभी पेजों पर, फर्स्ट पेज पर तो राम लिखना है और बाकी सभी पेजों पर श्याम लिखना है। अब ये नाम लिखने के बाद अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो ये जो राम जो शब्द लिखा हुआ है ये बाकी सभी पेजों पर चला जाएगा, यहाँ पर का ये बॉक्स है वो खाली हो जाएगा। तो देखते डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो फर्स्ट पेज का हेडर है वो तो खाली हो गया है और बाकी सभी पेजों पर ये राम शब्द चला गया। अगर यहाँ पर हम राम लिख देंगे तो वो सेम ही हो जाएगा, फर्स्ट पेज पर भी राम और बाकी सभी पेजों पर राम। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट पेज पर कहे या डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज पर कहे, तो सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना है ऑप्शंस और उसके बाद में ही ये चीज है आपको अप्लाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पेज के हेडर का अलाइनमेंट सेंटर कीजिए, ये अलाइनमेंट इंडेंट से संबंध होना चाहिए। इसका अलाइनमेंट किस प्रकार से सेट करते हैं मैंने आपको एक बार बता दिया है और फिर इन क्वेश्चंस के माध्यम से अच्छी तरह से इसको जान लेते हैं। अलाइनमेंट के लिए दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ पर पैराग्राफ में यहाँ पर से आप अलाइनमेंट कर सकते हो, दूसरा डिजाइन टैब के अंतर्गत पोजीशन ग्रुप में है इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसको सेंटर अलाइन करना है। और अलाइन जो संबद्ध किससे होना चाहिए यानी रिलेटिव किससे होना चाहिए, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मार्जिन है लेकिन हमें इसे इंडेंट से संबद्ध करना है, तो इंडेंट करके ओके कर देंगे, ये सेंटर अलाइन और रिलेटिव टू इंडेंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सम पेज पर प्रधानमंत्री शब्द का फुटर डालें जिसकी फॉन्ट साइज 28 पॉइंट और रंग हरा होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंसर्ट में जाएंगे, फुटर एडिट में जाएंगे, इसके बाद में ऑप्शन में डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि प्रत्येक सम पेज पर कहा है यानी प्रत्येक इवन पेज पर प्रधानमंत्री शब्द का फुटर डालना है। इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ऊपर पेज का हेडर है और नीचे है फुटर, ये फर्स्ट पेज का फुटर है, ये इवन पेज का यानी सम पेज का फुटर है। तो प्रत्येक सम पेज पर हमें प्रधानमंत्री शब्द लिखना है, इसके लिए हमें हिंदी की फॉन्ट साइज चूज करनी होगी और फॉन्ट की जो साइज है वो 28 पीटी करनी है और रंग है वो ग्रीन करना है। अब लिख देते हैं प्रधानमंत्री, ये जो फॉर्मेटिंग है वो आप बाद में करो तो भी चलेगी और पहले करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब यहाँ पर दो बार क्लिक करेंगे तो इससे बाहर आ जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो फुटर है इस पे ये पहला पेज, यहाँ पर ये तो फर्स्ट पेज है क्योंकि हमने डिफरेंट फर्स्ट पेज वाला भी सेलेक्ट कर रखा है, अगर ये सेलेक्ट नहीं होगा तो ऑड एंड इवन पेज ही हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो इवन पेज यानी सम पेज पर प्रधानमंत्री है प्रत्येक सम पेज पर, और जो ये
ओड यानी विषम पेज है, इस पर किसी भी प्रकार का नाम नहीं है। अगर हम कोई भी लिखना चाहे या लिखने को कहे एग्जामिनर तो ही लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रत्येक इवन पेज पर या एक पेज को छोड़कर एक पेज पर हेडर डालने को कहे, फुटर डालने को कहे, तो इस प्रकार से हम डाल सकते हैं इस डिफरेंट ओड एंड इवन पेज के माध्यम से। आपको इसे हिंदी में भी देख लेना है, ओड का मतलब होता है विषम और इवन का मतलब होता है सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पेज में हेडर के साथ पेज नंबर इंसर्ट करके पेज नंबर को राइट अलाइन में सेट कीजिए। ध्यान रहे हेडर हटना नहीं चाहिए। तो ये हेडर है और इसी के साथ में हमें पेज नंबर भी इंसर्ट करना है और हेडर को भी बनाए रखना है, हेडर हटना नहीं चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर देंगे तो कर्सर को राइट अलाइनमेंट रख देते हैं। उसके बाद में इंसर्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर या फिर डिजाइन में ही हमें पेज नंबर मिल जाएंगे। टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन और कंट पोजिशन, ये चार ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलेंगे। टॉप ऑफ द पेज से सेलेक्ट करके हम यहाँ पर इसे इंसर्ट करेंगे तो जो हेडर है हमें पहले इंसर्ट किया हुआ उसके स्थान पर पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा, हेडर हट जाएगा। बॉटम ऑफ द पेज में करेंगे तो फुटर के स्थान पर पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा और फुटर हट जाएगा। पेज मार्जिन में करेंगे तो पेज के जो खाली स्थान है लेफ्ट राइट में वहां पर ये इंसर्ट हो जाएगा। और करंट पोजीशन में करेंगे तो जहां पर हमारा माउस का कर्सर रखा होगा वहां पर ये इंसर्ट होगा। हम इसे करंट पोजीशन के माध्यम से ही हेडर के साथ में पेज नंबर को इंसर्ट कर पाएंगे क्योंकि टॉप ऑफ और बॉटम ऑफ पेज करेंगे तो फुटर और हेडर को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर हमने राइट अलाइनमेंट पर कर्सर रख दिया, इसके बाद में पेज नंबर, करंट पोजीशन और यहाँ पर पेज नंबर ले लेंगे तो ये राइट अलाइनमेंट में पेज नंबर है वो सेट हो गए हैं। और ये ओनली फॉर प्रथम पेज के लिए ही कहा था तो ओनली फॉर प्रथम पेज में हुआ है, बाकी किसी भी पेज में नहीं हुआ है। अगर पहले ये डिफरेंट फर्स्ट पेज सेट नहीं किया हुआ हो और हमें प्रथम पेज पे सेलेक्ट करने को कहे तो पहले ये सेलेक्ट करना है उसके बाद में यहाँ पर करना है, नहीं तो पूरे के पूरे पेजों में ये अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम पेज के हेडर में आज की तारीख और सम पेज में कोई भी एक पिक्चर इंसर्ट करके पिक्चर की हाइट 0.8 सेट कीजिए। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और ऑप्शन में जाकर देखते हैं कि ये सेलेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज सेलेक्ट है, यानी कि सम और विषम पेज दोनों भी हमें दिखाई देंगे। तो इस पेज पर देखने पर पता चलता है कि ये तो फर्स्ट पेज है यानी कि पहला पेज है। हमें ये जो फॉर्मेटिंग करनी है वो ओड एंड इवन पेज पर करनी है यानी सम और विषम। तो इसके लिए हम या तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे तो इवन पेज पर आ जाएंगे या फिर यहाँ पर हम खड़े हैं तो नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो अगले पेज के हेडर पर चले जाएंगे। तो ये इवन पेज है, इवन का मतलब होता है सम पेज। सम पेज पर हमें कहा है कि एक पिक्चर इंसर्ट करके पिक्चर की हाइट 0.8 करनी है। तो हम यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करते हैं, किस प्रकार से पिक्चर को इंसर्ट करना है वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। पिक्चर से क्लिप आर्ट को इंसर्ट करके सभी जो तरीके थे और उसकी किस प्रकार से फॉर्मेटिंग करनी है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसमें हम कोई भी ले लेते हैं, ये ट्यूलिप्स का पिक्चर ले लिया, इसके बाद में इंसर्ट कर दिया। अब इसकी जो हाइट है वो 0.8 करनी है, 0.8 इसके बाद में एंटर करेंगे तो ये हाइट है इसकी सेट हो गई है। और इसका जो अलाइनमेंट है वो हमें किसी भी प्रकार से लेफ्ट राइट करने को नहीं कहा है तो बाय डिफॉल्ट रखते हैं। अगर पिक्चर में किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग करने को कहे तो यहाँ पर हम स्टाइल्स वगैरह इसकी चूज कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी टेक्स्ट रैपिंग है वो सेट कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं और अलाइनमेंट भी इसका सेट यहाँ से कर सकते हैं और क्रॉप करना है तो भी से हम कर सकते हैं। की पूरी मैंने डिटेल्स में जानकारी पिछले वीडियो में दी है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पिक्चर शेप वगैरह, लेकिन फिर भी आपको बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। अब हमने इंसर्ट कर दिया, ये इवन पेज पर हुआ है यानी सम पेज पर हुआ है और विषम पेज पर हमें आज की तारीख लेफ्ट अलाइनमेंट में सेट करनी है। तो डिजाइन में जाकर नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे तो हम विषम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर श्याम नाम लिखा हुआ है
और इसी के साथ में हमें आज की तारीख भी यहाँ पर डालनी है, तो डेट एंड टाइम में जाएंगे और यहाँ विभिन्न फॉर्मेट्स में डेट एंड टाइम दिया हुआ है कि ओनली तारीख ही कहा है, ना कि वार और समय भी साथ में कहा है। तो ये पहला वाला जो सिलेक्ट है उसको ही हम इंसर्ट कर देते हैं, ओके करेंगे, तो आज की डेट है वो यहाँ पर आ गई है। इस डेट में जो ये हिंदी की फॉन्ट थी, इसीलिए इसमें बीच में दे वगैरह कुछ आ रहा है हिंदी वाले शब्द, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाए केवल उतना ही आपको आंसर देना है। ये प्रश्न कंप्लीट हो गया, क्लोज हेडर एंड फुटर कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑड और इवन पेज पर डेट और ये पिक्चर है वो सेट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सम पेज के फुटर को रिमूव कीजिए। फुटर को रिमूव कर इवन पेज यानी कि सम पेज के हेडर को रिमूव करना है, तो इसे सेलेक्ट करके बैक स्पेस दबा देंगे तो ये हट जाएगा और इसको क्लोज कर देंगे, तो प्रत्येक सम पेज भी प्रकार का कोई भी हेडर नहीं है, तो इस जो सम पेज में हेडर है वो हमने हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पेज के पेज नंबर को हटाइए। प्रथम पेज पर हमने पेज नंबर को इंसर्ट किया था, इसको हटाना है, तो हटाने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है यहाँ पर रिमूव पेज नंबर करेंगे तो हट जाएगा, और दूसरा तरीका है इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में डिलीट बटन दबाया और उसके बाद में क्लोज हेडर एंड फुटर करेंगे तो ये पेज नंबर है वो हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम पेज के अलावा सभी पेजों पर वर्टिकल राइट मार्जिन के पेज नंबर सेट कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो पहला पेज है फर्स्ट पेज, इसको छोड़ना है और बाकी सभी पेजों पर करना है, तो यहाँ पर माउस के कर्सर को रखेंगे, उसके बाद में पेज नंबर पर जाएंगे और मार्जिन में जाएंगे, वर्टिकल राइट मार्जिन वाला पेज नंबर कहाँ है इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज वाला भी ऑप्शन चालू है, इसीलिए अभी इवन पेज पर लगा है, तो नेक्स्ट सेक्शन करके ऑड पेज पर भी ये हम अप्लाई कर देते हैं, पेज नंबर, पेज मार्जिन और वर्टिकल। तो ये आप देखिए पहले पेज को छोड़कर बाकी सभी पेजों पर इस प्रकार के जो पेज नंबर है वो हमने सेट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पेज पर एसेंट बार राइट पेज नंबर इंसर्ट करें। पेज नंबर इंसर्ट करते समय डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को हाइड रखें। यहाँ पर कर्सर रखकर पेज नंबर में जाएंगे, पेज मार्जिन में। अब मार्जिन में पेज एक्स वगैरह ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेज के फॉर्मेट है, एसेंट बार लेफ्ट, एसेंट बार राइट, वर्टिकल लेफ्ट और वर्टिकल राइट, जो भी हमें कहे वो हमें इंसर्ट करना है, तो हमें कहा है एसेंट बार राइट इंसर्ट करना है पहले पेज पर, और इंसर्ट करते समय जो टेक्स्ट है नीचे वाले वो हाइड रहने चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शंस में शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके इसको हाइड कर देंगे, अब ये टेक्स्ट हमें दिखाई नहीं देंगे। इसके बाद में हम पेज नंबर पर जाकर पेज मार्जिन में एसेंट बार राइट पर क्लिक करेंगे, तो इसके राइट हैंड साइड में ये पेज नंबर है वो इंसर्ट हो गए हैं। अब क्लोज करेंगे तो ये वापस जो टेक्स्ट है वो आ जाएंगे, तो इसका जो शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का मतलब यही होता है, फॉर्मेटिंग कर रहे हो, हेडर एंड फुटर लगा रहे हो, उस टाइम में आपको नीचे वाले डॉक्यूमेंट है वो हाइड रखने हैं या शो करने हैं, तो हाइड करेंगे तो ये दिखेंगे नहीं और शो करेंगे तो ये नीचे वाले हमें दिखाई देंगे, का यही यूज है, बाकी कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पेज के टॉप में ब्रैकेट्स टू पेज नंबर इंसर्ट कीजिए, इसका फॉर्मेट ABC होना चाहिए। अब इंसर्ट में जाएंगे, पेज नंबर पे जाएंगे, टॉप ऑफ द पेज, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो ये फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग में हम ले लेंगे ब्रैकेट्स टू ले लिया, अब इसका फॉर्मेट है वो ABC में होना चाहिए, अभी 1, 2, 3 में है, तो यहाँ पर पेज नंबर में जाएंगे, यहाँ पर फॉर्मेट पेज नंबर पर क्लिक करेंगे, तो नंबर ऑफ फॉर्मेट यानी कि आपको ये फॉर्मेट है किस प्रकार से लेना है, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट है, जो भी हमें कहे वो इंसर्ट करनी है, तो ABC में कहा है। बाद में यहाँ पर जो पेज नंबरिंग दी हुई है, कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन यानी पिछले सेक्शन से कंटिन्यू रखना है, या फिर स्टार्ट यानी कि नए सिरे से स्टार्ट करना है, जैसे A है तो हमें A से स्टार्ट नहीं करके D से स्टार्ट करना है, तो यहाँ D लिख देंगे, इसके बाद में ये D से ही होंगे, तो हमें इसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी करने को नहीं कहा है, तो नहीं करनी है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से ये
पेज नंबरिंग है वो काम करता है, ओके कर देंगे तो ये एबीसी में इसकी फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी पेज के बॉटम में एक पेज छोड़कर एक पेज पर सर्किल पेज नंबर इंसर्ट कीजिए जिसका फॉर्मेट कैपिटल रोमन होना चाहिए। बॉटम में इंसर्ट करना है पेज नंबर, इंसर्ट करेंगे पेज नंबर और बॉटम पेज नंबर, और बॉटम पेज नंबर में ही किस प्रकार से करने हैं, बॉटम पेज नंबर में हमें करना है सर्किल, जो भी हमें कहे वो इसमें हमें माउस को ड्रैग करते हुए नाम चूज कर लेना है, और नाम चूज करने के बाद में इसको सेलेक्ट करना है। ये विभिन्न प्रकार के सर्किल, बॉक्स, इटैलिक वगैरह, तो सर्किल का है, सर्किल कर दिया। बॉटम में एक पेज को छोड़कर एक पेज पर करना है ये, तो ये तो फर्स्ट पेज हो गया, फर्स्ट पेज पर तो हमें करना नहीं है, फर्स्ट पेज को तो छोड़ देना है, ठीक है, ऑड एंड इवन पेज पर करना है। तो नेक्स्ट सेक्शन पर जाएंगे, ये इवन पेज आ गया। अब हम पेज नंबर पर जाकर बॉटम पेज पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में माउस से नीचे देखेंगे ड्रैग करते हुए, तो सर्कल वाला हमें मिल जाएगा कहीं, यहाँ पर ये देखिए सर्कल, और इसकी फॉर्मेटिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, रोमन में होनी चाहिए, कैपिटल पेज नंबर और फॉर्मेट पेज नंबर, यहाँ पर कर देते हैं कैपिटल, ये रोमन वाली ये, इसके बाद में ओके करेंगे तो ये इवन पेज पर हो गया है। तो हम देखते हैं एक को छोड़कर एक पर अप्लाई हुआ है नहीं हुआ है, ये आप देखिए इस पर हुआ, इस पर नहीं हुआ, इस पर हो गया, इस पर नहीं हुआ, इस पर, यानी कि एक को छोड़कर एक पेज पर कैपिटल रोमन में ये जो पेज नंबर है वो इंसर्ट करने थे वो हो चुके हैं। मैं आपको जूम करके भी बता देता हूँ कैपिटल रोमन में किस प्रकार से हुआ है, ये देखिए आप कैपिटल रोमन में दो, और यहाँ पर तीन में कुछ नहीं है, इसके बाद में चार में है, तो इस प्रकार से हमें ये इंसर्ट करना है। जो भी फॉर्मेटिंग कहे वो हमें डालनी है, सर्कल कहे, ठीक कहे, थीन कहे, जो भी कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओड पेज नंबर की पोजीशन को बॉटम से 0.7 सेट कीजिए, यानी कि फुटर की पोजीशन सेट करने को कहा है। तो ये तो इवन पेज में है, और प्रीवियस सेक्शन में जाएंगे तो फर्स्ट पेज में आ गए, अब ओड पेज में है, ओड पेज फुटर यानी बॉटम में कहा है, और पोजीशन करनी 0.7, यहाँ पर कर देंगे 0.7, इसके बाद में क्लोज कर देंगे तो ये पोजीशन है वो सेट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के मार्जिन पेज नंबरों को इस प्रकार से सेट कीजिए कि इसकी शुरुआत 25 नंबर से हो। तो मार्जिन के पेज नंबर कौन से हैं? ये जो पेज नंबर है वो मार्जिन वाले पेज नंबर है, और इसकी फॉर्मेटिंग इस प्रकार से सेट करनी है कि ये 25 से स्टार्ट हो। अभी किससे स्टार्ट है? एक से है। तो क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे पेज नंबर और फॉर्मेटिंग पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो पेज नंबरिंग लिखा हुआ है स्टार्ट एड में हम लिख देंगे 25 और कर देंगे ओके। तो ये जो पेज नंबर है 25 से स्टार्ट हो गई है, 25 और उसके बाद में 26 और ये 27, इस प्रकार से ये पेज नंबर है वो जहाँ से भी हमें स्टार्ट करने को कहे वहाँ पर ये लिख देना है और स्टार्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस में थोड़ी मेरे से मिस्टेक हो गई है कि मार्जिन पेज नंबरों को इस प्रकार से सेट कीजिए। अगर हम इसको करने जाएंगे सेट, यानी कि कहाँ से इसकी शुरुआत करनी है पेज नंबरों को आपसे, तो जैसे हमने 25 में किया है यहाँ पर फॉर्मेट पेज नंबर में, तो ये पूरे के पूरे जहाँ पर भी पेज नंबर लगे हुए होंगे वहाँ पर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई होंगे, 25 से शुरुआत होगी इसकी, ना कि ओनली मार्जिन वाले, क्योंकि जो मैंने टॉप वाले और बॉटम वाले पेज नंबर लिखे थे यहाँ पर 25 से ही स्टार्ट हो गए हैं, तो ये सभी में स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। हेडर और फुटर पर अप्लाई किए गए डिफरेंट ओड एंड इवन पेज इफेक्ट को हटाइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट ओड एंड इवन पेज पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा, ये दोनों हेडर और फुटर में एक साथ ही अप्लाई होता है और एक साथ ही इसे अनसेलेक्ट किया जाता है। अब हेडर एंड फुटर में दोनों में अब अप्लाई करके देखते हैं, तो ये मैं छोटा कर देता हूँ इसको, ये आप देखिए फर्स्ट पेज इवन पेज हेडर और इवन पेज फुटर, इसको अनसेलेक्ट करेंगे तो सभी हेडर हेडर दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक साथ अनसेलेक्ट होते हैं, एक साथ सेलेक्ट होते हैं, इसको अनसेलेक्ट करने को कहा, अनसेलेक्ट कर दिया, और
100 डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता ही दिया है कि हेडर को लिखते समय डॉक्यूमेंट हाइड करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट हाइड हो जाएगा, दिखेगा नहीं, और इसको सेलेक्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट नीचे हमें दिखाई देगा। डिफरेंट फर्स्ट पेज यानी पहले पेज पर दूसरा रखना है, बाकी सभी पेजों पर सेम रखना है तो डिफरेंट फर्स्ट पेज वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और सम और विषम पेज पर अलग अलग रखना है। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज पर क्लिक करेंगे, एक पेज को छोड़कर एक पेज पर रखना है तो भी यही सेलेक्ट करेंगे और एक पेज पर लिख देंगे और एक पेज को खाली छोड़ देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट और प्रीवियस सेक्शन क्या है कि अगर यहाँ से यहाँ पर आना है तो नेक्स्ट सेक्शन करेंगे तो यहाँ पर चले जाएंगे, और वापस जाना है तो प्रीवियस सेक्शन करेंगे चला जाएगा। अब हमें हेडर से डायरेक्ट फुटर पर जाना है तो गो टू फुटर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें वापस हेडर पर जाना है तो गो टू हेडर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर ये पेज नंबर के विभिन्न फॉर्मेटिंग थी वो मैंने आपको बता ही दी है। फॉर्मेट पेज नंबर में हमें कहाँ से शुरू करना है ये मिलेगा, और नंबर की फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए ये इसमें मेनली पूछे जाने वाली चीज है। और बाकी जो डेट इंसर्ट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। क्विक पार्ट्स में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, कमेंट्स वगैरह कुछ इंसर्ट करने को कहें तो हम इंसर्ट कर लेंगे। जैसे कि हमें कह दिया कि फर्स्ट पेज में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के अंतर्गत किसी भी कीवर्ड्स को इंसर्ट करें, तो यहाँ पर कीवर्ड्स लिखा हुआ है और ये इंसर्ट कर दिया। इसमें कोई भी कीवर्ड्स डालने को कहे तो ये हम डाल सकते हैं, इस प्रकार से ये यूज है। नेक्स्ट है क्लिप आर्ट्स। क्लिप आर्ट्स में बने बनाए एक चित्र है विभिन्न प्रकार के, जैसे कंप्यूटर का चित्र लेना है तो गो टू पर के यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर के चित्र आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है क्लिप आर्ट्स। इसके बाद में पेज नंबर, हेडर एंड फुटर। तो ये पूरा का पूरा जो हेडर एंड फुटर का जो भी फंक्शंस था उनको मैंने आपको 0 से एडवांस लेवल तक समझा दिया है। इस पर अब अगर आपने अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस कर ली और इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, हेडर एंड फुटर आपके क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाली क्लास है उसके अंतर्गत आपको मैं ये हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, इसका क्या यूज है वो समझाऊंगा। हाइपरलिंक और बुकमार्क एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक और क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार इसे देख लेंगे। ड्रॉप कैप है, ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आगे वाले वीडियो में मैं समझाऊंगा। इसके बाद में इक्वेशन और सिंबल्स को भी लेकर चलेंगे। अब लगभग 2-3 वीडियो के अंतर्गत ये पूरा का पूरा बेसिक है आप कंप्लीट हो जाएगा, एफिशिएंसी की पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट चीज रही है पेज लेआउट के अंतर्गत, पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स वगैरह, पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, कॉलम ब्रेक इत्यादि है, वो आपको मैं अगले वाले वीडियो में करवा दूंगा, वाटरमार्क वगैरह सब कुछ। और ये जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ इसे आप सीरियसली लेकर तैयारी जरूर करें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आप इसकी अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना। ये जो क्वेश्चंस है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इसे ले लेना और एक दो बार प्रैक्टिस करना। और कहीं कोई भी क्वेरीज, डाउट वगैरह आए तो मुझे आप एनी हेजिटेशन व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपको ज्यादा से ज्यादा अब टाइपिंग में और एफिशिएंसी पर, दोनों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। टाइपिंग में भी काफी स्ट्राइक रूल्स अधीनस्थ बोर्ड ने डाले हैं, तो इससे ऐसी संभावना लग रही है कि आपके एफिशिएंसी में भी कुछ मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एफिशिएंसी की आप अच्छे से तैयारी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस टेस्ट है उसे देने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।